हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हाउ आर यू ऑल? अच्छे हैं? आज मैंने सोचा एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ. अगर हम बहुत कॉमनली ये चीज़ यूज़ करते हैं, वन ऑफ़ माय फ्रेंड, वन ऑफ़ द सिटी, तो आपको क्या लगता है, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम कभी भी जब ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं वन ऑफ़ द, तो वन ऑफ़ द हम बात कर रहे हैं बहुत सारे में से एक की, किसी एक की. तो जब हम बात करते हैं वन ऑफ द, कोई भी चीज़ ले लीजिए, बुक ले लीजिए, तो मैं अगर बोलूँ आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द बुक्स, तो ये सही सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, वन ऑफ द बुक्स, नॉट वन ऑफ द बुक. बहुत से लोग ये बहुत कॉमनली गलती करते हैं, बहुत लोगों को नॉलेज भी होती है, लेकिन ये एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जो मतलब आप उसको करेक्ट कर सकते हैं. तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वन ऑफ द मैनी. तो लेट्स टेक सम एग्जांपल. जैसे मैं किसी बात करूँ कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द बुक्स, और या बोलें कि मैं उस शहर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग वन ऑफ द सिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द सिटीज, इस तरीके से बोल सकते हैं. या फिर कह सकते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट? वन ऑफ माई फ्रेंड कभी भी नहीं होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स. तो आप कभी भी वन ऑफ द फ्रेज यूज करेंगे तो उसके आगे जो भी चीज़ आएगी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, वो हमेशा प्लूरल में होगा. यानी वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द सिटीज, वन ऑफ द बिल्डिंग्स. तो आप नोट कर रहे हैं, क्या चीज़ नोट कर रहे हैं, कि वन ऑफ द के बाद जो भी मैं आपको वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट है, वो हमेशा प्लूरल में आता है. तो आज के लिए बस इतना ही. आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को यूज़ करें और अप्रिसिएशन पाएं, क्योंकि मैं स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो मैं नोट करता हूँ, अगर कोई बात कर रहा है और वो इंग्लिश में बात करते करते अगर वो बोल दे वन ऑफ माई फ्रेंड, तो मुझे मेरा दिल चाहता कि मैं वहीं उन्हें करेक्ट कर दूँ, बट ऐसा हो नहीं पाता है. इसलिए ये YouTube चैनल मुझे हेल्प करेगा, मैं ये चीज़ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, और छोटी छोटी चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो चलें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. और मैं रास्ते में रुक के ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, मुझे अपनी कार भी ऑफ़ करना पड़ी क्योंकि कार के इंजन का नॉइस आ रहा था. तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.